स्वागत है आप सभी का हमारे सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स के इस क्विक सेशन में इंड एस 115 पहली बार मई 2019 में सीए फाइनल की एग्जाम्स में एप्लीकेबल होगा और न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली आपको इसे बहुत डिटेल और डेप्थ में पढ़ना है फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट इंस्टीट्यूट ने इसका स्टडी मटेरियल में एक पूरा चैप्टर अलॉन्ग विथ 50+ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किया है. प्रॉब्लम ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए है. द रीजन इज द ओल्ड सिलेबस की आरटीपी में फॉर मे 2019 इंड एस 115 की समरी इनकॉर्पोरेट की गई है और उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी आरटीपी में दिए गए. क्योंकि ओल्ड सिलेबस में एज सच हमारा वेटेज जो होता है प्राइमरीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है और एएस और इंडेस के सिर्फ डिफरेंसेस रेलेवेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि आरटीपी में स्पेसिफिकली 115 इनकॉर्पोरेट किया है दैट इज व्हाई देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंस्टीट्यूट में आस्क क्वेश्चन ऑन दैट. इसका एक और कारण यह है कि दोस्तों वी डू अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट्स फॉर यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वी फाउंड 115 टू बी वन ऑफ द मोस्ट हॉट एंड हैपनिंग आइटम्स ऑफ द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस. कई सारी कंपनी के इंटरव्यूज में क्वेश्चंस के दौरान 115 के बारे में आपसे सवाल पूछे गए और मान के चलिए कि आने वाले अटेम्प्ट में भी ऐसा होगा. दैट इज वाई ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 115 देखना होगा. तो सर एक काम करते हैं, फिर अभी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू से पहले आपका ये सेशन देख लेंगे. ये भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए इधर यू वॉन्ट टू सी इट नाउ और लेटर दैट इज योर चॉइस, बट इफ यू हैव टाइम आई वुड रिकमेंड यू शुड गो थ्रू इट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आरटीपी. अब हमने न्यू सिलेबस वाले हमारे सारे फर्स्ट और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स के साथ तो इंडेस 115 के लेक्चर्स अमेंडमेंट लेक्चर्स के माध्यम से, इनफैक्ट गूगल ड्राइव के माध्यम से अमेंडमेंट लेक्चर्स के नाम से शेयर कर दिए, विच वॉज मंथ्स अगो. एंड दोज लेक्चर्स आर ऑलमोस्ट लाइक वेरी डिटेल. 15 to 20 hours का टोटल आपका कवरेज है विच कवर्स ऑल योर क्वेश्चंस ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेस. ऑब्वियसली बात है, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो लोग प्रैक्टिकली इतना समय 115 पे देंगे ड्यू टू द रेलिवेंस ऑफ इंडेस इन द ओल्ड सिलेबस. सिमिलरली अ लॉट ऑफ न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव रिक्वेस्टेड माइन एज वेल एज अदर्स कि सर वी डोंट हैव टाइम टू सी 115 कंप्लीटली जस्ट बिकॉज इट इज वेरी लेंथी. ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सी द लेक्चर्स ऑफ 115 हु हैव नॉट गॉट द फैसिलिटी टू सी दीज लेक्चर्स एट होम. तो जो स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस के हैं और किसी कारण से इंडेस 115 नहीं देख पाए, जो स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट हैं और उनके साथ लेक्चर शेयर किए हैं बट उन्हें लगता है कि ये कंटेंट इतना समय वो नहीं दे पाएंगे, और ओल्ड सिलेबस के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर रेलिवेंट है. वट आई हैव डन इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट 115 इज वेरी वेरी डिटेल्ड एंड लेंदी, डिस्पाइट दैट वी विल बी समराइजिंग इट एक्सेप्शनली. सो वट आई विल बी डूइंग हियर इज कि मैं आपके साथ 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर के इस इंडेक्स को सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिससे न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बहुत ही क्विक और कंसाइज लॉजिकल फैशन में आपके साथ यहां इस सेशन में डील करूंगा. तो बहुत ही कम समय में आप यू समझ लीजिए इन 10 to 15% ऑफ द टाइम वी विल ट्राई टू कवर 90%+ ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल. सो लेट्स गेट गोइंग और शुरुआत करते हैं अपन इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स. जैसे कि अपनी आदत है दोस्तों, कोई भी चीज अपन शुरू करते हैं तो शुरुआत करने से पहले हम उसका कारण समझते हैं, लॉजिक समझते हैं क्यों आया, और वहां पर हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाते. क्योंकि जब तक दिमाग में फंडामेंटली कोई चीज आपकी बैठेगी नहीं तब तक प्रैक्टिकली उसको सीधे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. तो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ओपन अप आवर माइंड्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इंड इज 115 इज ऑल अबाउट एंड व्हाई वाज दिस कमिंग इन टू द पिक्चर एंड हाउ थिंग्स हैव बिकम डिफरेंट आफ्टर 115 बीइंग नोटिफाइड. तो इंडेस 115 को समझने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको एज सच ये सेशन सुनना है और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट अ ड्रोन चार्ट व्हिच इज देयर हियर ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन सी दिस. और ये सारे ड्रोन चार्ट्स आप अपनी फास्ट की हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन fast.edu.in के डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए.
हालांकि प्रिंटआउट आपके ब्लैक एंड व्हाइट निकलेंगे और ये रंगों से भरा हुआ है, इसलिए आपके साथ ये कॉपी एज इट इज शेयर करी गई है दोस्तों। यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर कॉपी इन योर सिस्टम और टेक अ प्रिंट ऑफ इट। ये हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं अलॉन्ग विथ ऑल आर स्टूडेंट्स, एंड ये हमारे ड्रोन चार्ट्स है। व्हाट आर दीज ड्रोन चार्ट्स? बेसिकली इस साइज के हमारे ड्रोन चार्ट्स होते हैं जो हमने हमारी FR की थर्ड बैच में लॉन्च किए। ये कवर पेज चेंज हो गया है, एंड ये जो पर्टिकुलरली ड्रोन चार्ट्स होते हैं ये A3 साइज में पहली बार हमने इंडेक्स के ड्रोन चार्ट्स लॉन्च किए हैं। अब आप इसको यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये क्या है। दीज आर एक्चुअली इन द नेम से एक चार्ट्स, बट दे आर डिटेल कंटेंट्स इन पिक्टोरियल चार्ट वाइज माइंड मैप्स फॉर्मेट बेस्ड, यू कैन से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए माइंड मैप के फॉर्मेट में पिक्चर्स को यूज करके डिजाइन किए जाते हैं। चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पे तो समझते जाएंगे। बिफोर आई कम टू दीज पर्टिकुलर चार्ट्स, लेट मी फर्स्ट ओपन अप योर माइंड्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वाज द स्टैंडर्ड कमिंग इनटू प्लेस एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। समझना दोस्तों बात को, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो ये इंडेक्स किसकी बात करता है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली बताएगा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं उसका रेवेन्यू आपको कब कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कब कैसे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बिग चैलेंज इन दिस? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो दो पेज में पूरा समझा देता था कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्टैंडर्ड्स आफ्टर AS1। सो वॉट इज सो पिक्यूलियर अबाउट इट, और इसके लिए क्यों एक ऐसा इंडेक्स आ गया विच इज यू नो रनिंग इन टू पेजेस एंड रनिंग इन टू लेंथ्स एंड ब्रेथ्स ऑफ पैराग्राफ विच इट इज कवरिंग, विच इज अप्रॉक्सिमेटली इफ यू फाइंड यू विल फाइंड दैट देयर आर 200 प्लस पैराग्राफ्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस। तब एक चीज समझो, लेट अस ट्राई टू फिगर दिस आउट। सपोज दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल आप टाइटन के शोरूम पर गए और आपने उसके लिए एक घड़ी खरीदी। बहुत समय से आप सोच रहे थे पर अभी एक ऑफर आया जिसमें कहा गया है कि भाई पुरानी घड़ी लाने पे आपको एक्सचेंज ऑफर में 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो हम हमारे ये एक पुरानी सुपरमैन वाली घड़ी लेके गए और उसे देकर, बचपन की थी उस सुपर वुमेन के लिए, सॉरी उसके लिए हम एक घड़ी लेकर आ गए। 5,000 की घड़ी थी, 20% हमें डिस्काउंट मिला, 4,000 मैंने कैश दी और पुरानी सुपरमैन वाली मेरी घड़ी और मेरे पास नई घड़ी आ गई। आपको मुझे बताना है दोस्तों टाइटन कंपनी इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करेगी। टाइटन कंपनी, माय क्वेश्चन टू यू इज इन इट्स ओन बुक्स हाउ विल वी इट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 से, टू सेल्स 4,000, नहीं कैश डेबिट 4,000, टू सेल्स 5,000 और 1,000 का डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या एक्सपेंस बुक होगा या ट्रेड डिस्काउंट माना जाएगा? पुरानी घड़ी का क्या होगा, क्योंकि पुरानी घड़ी भी तो मिली है। पुरानी घड़ी बुक करना होगी तो क्या कैश अकाउंट डेबिट 4,000, ओल्ड वॉच डेबिट 1,000, टू सेल्स 5,000 कर दूँ? पर यह सुपरमैन वाली पुराने ज़माने की वॉच की क्या वाकई कीमत 1,000 होगी? तो क्या मैं वॉच की फेयर वैल्यू निकाल लूँ और मैं कह दूँ पुरानी वॉच सपोज़ 200 रुपये की होगी तो 4,200 की सेल्स बुक कर दूँ? और आप समझिए दोस्तों कि ये सारी प्रोबेबिलिटी में इस एक पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफर के ट्रांजैक्शन में आपका सेल्स का रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेंज हो जाएगा। और ये एक्सचेंज ऑफर कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों, आप देखते हैं आए दिन आपको मोबाइल पर, टीवी पे, लैपटॉप पे, घड़ियों में एक्सचेंज ऑफर्स मिलते हैं, गाड़ियों पर भी एक्सचेंज ऑफर्स चलते हैं। हाउ विल द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस केस? आई थिंक इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ये था कि व्हाट इज द प्राइस व्हिच शुड बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। इफ आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, मैंने घर पे एक एक्वागार्ड लगाया, तो से फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव डन इज हमने आपके सीए ने आपके ऑफिस में एक एक्वागार्ड लगा दिया। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी वो आपकी हेल्थ की चिंता है, क्योंकि बीमार बहुत हो रहे थे और छुट्टियां बहुत हो रही थी तो उसने बोला यार चलो लगा देते, वो तो पुराने पापी है उनको कुछ नहीं होता, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है बैक्टीरिया फ्री वाटर पी के, पानी जिसके साथ बैक्टीरिया फ्री आता है। पर आपके लिए आपने एक्वागार्ड लगा दिया, तो सीए ने अपने ऑफिस में एक एक्वागार्ड लगा दिया और से ये एक्वागार्ड आया 20,000 रुपये का। एक्वागार्ड कंपनी की अभी स्कीम चलती है, इनफैक्ट हमेशा ही ऐसा होता है
कि वो आपके यहाँ एक्वा गार्ड लगाएंगे, और साथ ही साथ में व्हाट दे विल डू इज दे विल टेल यू कि इसको हम साल में एक बार आके फ्री सर्विस करके जाएंगे, और इसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस जो होगा वो भी हम करके जाएंगे। फिल्टर वगैरह चेंज करना होगा तो ये भी हो सकता है कि एक फिल्टर फ्री में रिप्लेस होगा। 20,000 रुपये की ये सेल हो गई। अब आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं हो तो 20,000 फिक्स है, बट रेवेन्यू बुक कब होना चाहिए? शुड आई रिकॉर्ड रेवेन्यू एज सून एज आई हैव इंस्टॉल्ड द एक्वागार्ड ऑफ 20,000 रुपीज? बट इफ आई डू दिस आई शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि मुझे अभी एक फ्री सर्विस देना बाकी है। तो एक लॉजिक ये होता है, 20,000 रुपये का रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड कर दो, और जो फ्री सर्विस हमें देना है उसकी जो कॉस्ट आएगी उसका प्रोविजन बना के रख दो एज पर AS 29 और IND AS 37 प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स सेइंग दैट देर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन अस विच वी कैन नॉट अवॉइड ऑफ फ्री सर्विसिंग, तो उसकी कॉस्ट को प्रोवाइड फॉर कर दो। दूसरा लॉजिक ये होता है कि यार अपन एक काम करो, अपन नॉर्मली एक फ्री सर्विस के लिए 1,000 रुपये चार्ज करते, तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस बुक सेल्स ऑफ 19,009 नाउ एंड 1,000 की सेल्स अपन बाद में कब बुक करेंगे दोस्तों? जब हम एक्चुअल में फ्री सर्विस दे देंगे। यानी ये वाला जो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन किसका हो गया दोस्तों कि प्राइस मेरी फिक्स है लेकिन इस प्राइस के बदले में रेवेन्यू मुझे किसका और कब बुक करना है? इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्वागार्ड फॉर द एक्वागार्ड कंपनी यूरेका फोर्ब्स कंपनी, और इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज विच इज वन फ्री सर्विस, एंड अकॉर्डिंगली शुड आई स्प्लिट द रेवेन्यू और शुड आई कंसोलिडेट एंड बुक द रेवेन्यू टुगेदर? मजे की बात ये होती कि इसमें से फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिस्काउंट होता, जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट हैपेंस इज देयर आर लॉट ऑफ डिस्काउंट्स व्हिच कम इन नाउ डेज। तो से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, आई हैव परचेज्ड समथिंग फ्रॉम, ऑनलाइन परचेज की बात करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई पेपर फ्राई से एक फर्नीचर परचेज किया। पेपर फ्राई के फर्नीचर परचेज करने में ऐसा है कि मैंने 1 लाख रुपए दिए और उन्होंने हमारा एड्रेस लिया और वहां पे बोला कि भाई आपका फर्नीचर आ जाएगा और हमारा एक बंदा आएगा उसको इंस्टॉल करके भी दे देगा। तब यहाँ पे सवाल वही उठेगा दोस्तों कि सेल यहाँ पे फर्नीचर की बुक होना चाहिए या फर्नीचर सेल्स का रेवेन्यू अलग बुक होना चाहिए और जो इंस्टॉलेशन की सर्विसेज है उसका रेवेन्यू अलग। और अगला सवाल, पेपर फाई की स्कीम है कि अगर आप पहली बार वहाँ पे परचेज करते हैं तो व्हाट दे डू इज दे ऑल्सो गिव यू अ डिस्काउंट कूपन फॉर योर नेक्स्ट परचेज। तो आपको से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की परचेज पे 5,000 का डिस्काउंट कूपन मिला है जो आप अगली परचेज में रिडीम कर सकते हो। अब ये 5,000 का पेपर फ्राई क्या करेगा? तब इस क्वेश्चन में दोनों इश्यूज आ गए। एक तो इस क्वेश्चन में उसे दो चीजें करना है, फर्नीचर डिलीवर करना है और उसका इंस्टॉलेशन भी कराना है। दूसरा, प्राइस भी यहां पे देखा जाए तो 1 लाख चार्ज्ड है लेकिन 5,000 रुपये का इसमें एक कैशबैक नहीं पर डिस्काउंट कूपन है विच विल बी रिडीम्ड इन द नेक्स्ट परचेज। अब नॉर्मली अगर मैं AS 9 के फंडामेंटल लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, यार इंस्टॉलेशन पे 1 लाख रुपए का रेवेन्यू बुक कर दो पेपर फ्राई के लिए, और बाद में जो 5,000 का डिस्काउंट कूपन है उसका या तो कुछ भी मत करो। जब कोई अगली परचेज करेगा तो ऑब्वियसली बात है, वो अगर 1 लाख की चीज खरीदेगा तो 95,000 ही पे करेगा, तब अपन 95,000 सेल्स बुक कर लेंगे। दूसरा लॉजिक होता है, 5,000 रुपये का जो डिस्काउंट कूपन दिया उसका वारंटी प्रोविजन बना दो। बट प्रोविजन बनाऊं तो क्या पूरे 5,000 का बनाऊं क्या? पर मैंने 5,000 कैश देने की बात नहीं की है, मैंने 5,000 रुपए के गुड्स आपको बाद में परचेज करते समय डिस्काउंट देने की बात की है। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसमें भी मैं कुछ तो कमाऊंगा आपसे। पेटीएम कैशबैक देता है जिसमें आपको एज इट इज कैश मिल जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप समझिए, पेपर फ्राई के केस में देर आर टू प्रॉब्लम्स, एक तो मेरी गुड्स और सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है या सिर्फ गुड्स का, और दूसरा प्रॉब्लम है मेरी प्राइस 1 लाख रुपए है या 95,000 रुपीज। 1 लाख है तो 5,000 की अकाउंटिंग क्या होगी, और 95 ही है तो फिर 95 को स्प्लिट में दोनों में कैसे करूंगा? और दोस्तों आप समझिए, आपको लगेगा कि यार इसमें सर्विसिंग की क्या बड़ी वैल्यू है, क्या बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट आप प्लीज समझिए, दीज इश्यूज में लुक स्मॉल बट दे आर रियल बिग इश्यूज। वाई? बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर गोइंग टू चेंज योर रेवेन्यू रिकोगशन पॉलिसी विच इज नॉट गोइंग टू जस्ट अफेक्ट योर रेवेन्यू रिकोगशन, दैट मीन्स योर इनकम एज वेल एज योर प्रॉफिट, इट विल ऑल्सो चेंज योर टैक्स लाइबिलिटीज। आप देखो, हो सकता है फर्नीचर के ऊपर 12% रेट हो और सर्विसेज के ऊपर 18% रेट हो,
तो जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा, अगर आप स्प्लिट सेल्स बुक करोगे और कंसोलिडेटेड करोगे अलग अलग आएगा। अगर आप 5,000 रुपये का से फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट कूपन देते हो या कैशबैक देते हो, जैसे पेटीएम में आप देखना कभी आप परचेज करोगे 1,000 रुपये की चीज़, वो बोलता है 20% कैशबैक, तो आप 1,000 पे करोगे 200 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। प्रैक्टिकली रेवेन्यू कितने से बुक होना चाहिए, 1,000 या 800। AS9 बोलता था ग्रॉस अमाउंट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर इज रेवेन्यू, तो चार्ज तो 1,000 है तो रेवेन्यू 1,000 बुक होगा। बट वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आप 1,000 रुपये लेके उसी समय प्रॉमिस कर रहे हो 200 रिटर्न करने की, तो आपने चार्ज तो किया पर कमाया कहाँ, 200 यू हैव टू रिफंड, तो आपका रेवेन्यू तो 800 होना चाहिए। पर अगर आप सेल्स 800 से बुक करोगे तो जीएसटी भी 800 पे दोगे, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट अग्री करेगा 800 रुपये पे टैक्स मान के? वो तो बोलेगा कस्टमर से 1,000 रुपये चार्ज किया। आई नो वैल्यूएशन अंडर जीएसटी वुड बी डिफरेंट, बट प्लीज अंडरस्टैंड एनी टैक्स लॉ विल रिकॉग्नाइज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल्सो एंड दैट विल अफेक्ट योर टैक्स लाइबिलिटीज। तो आप तो दोस्तों बस एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल ये समझ लो कि प्राइमरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जो समस्या है वो दो चीजों की है। पहला, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने कितनी प्रॉमिसेस परफॉर्म करने की बात की है और वो प्रॉमिसेस कब मानी जाएंगी परफॉर्म हो गई हैं, और दूसरा मुद्दा, इसके बदले में आपको पैसे कितने मिलेंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आपको सिर्फ दो चीजें पता करना है, वन व्हाट आर द प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन शुड यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू अगेंस्ट दोज प्रॉमिसेस, टू व्हाट इज द प्राइस टू बी कंसिडर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार आपको प्रॉमिस और उसका सेटिस्फैक्शन कब होगा, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा पता पड़ जाए, और टोटल प्राइस क्या लेना चाहिए ये पता पड़ जाए, फिर आपको एक स्टेप लगाना है बस इन दोनों को अलोकेट करने का। और फिर जैसे जैसे आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन की डेट आती जाएगी वैसे वैसे अलोकेटेड रेवेन्यू बुक करना है। इसे इंडेस 115 फाइव स्टेप मॉडल कहता है। नाउ व्हाट इज दिस फाइव स्टेप मॉडल, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसके ऊपर पूरा इंडेस 115 बैठा हुआ है, दिमाग में फिट करो। इंडेक्स 115 बोलता है भैया रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो आपको 5 स्टेप्स का ख्याल रखना है। क्या 5 स्टेप है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब आपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक मजे की बात समझना, इंडेक्स का नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। यानी इंडेक्स बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो रहे हैं कस्टमर के साथ तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के मेथड्स भी अलग अलग होंगे। या यू कह लो एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट, एक जैसे गुड्स, एक जैसी टर्म्स के लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी एक समान हो सकती है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर अलग अलग है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी अलग अलग होगी। दैट मींस इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज। इसका मतलब समझना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अमेजोन में आप गुड्स खरीदो, बोलता है 30 दिन में रिटर्न कर सकते हो, कपड़े खरीदे आपने अमेजोन से 30 दिन में रिटर्न, फ्लिपकार्ट बोलता है 30 दिन में रिटर्न, पेटीएम बोलता है 7 दिन में रिटर्न, लेकिन कब, अगर उसमें कहीं कोई डिफेक्ट या डैमेज हुआ। फर्स्ट क्राई, ऑफ स्कॉच, बच्चों के भी कपड़े खरीदने शुरू हो गए हैं अब तो, वो बोलता है 7 दिन में रिटर्न इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजंस। पेपर फ्राई में आप जाओगे तो वो बोलता है यू कैन रिटर्न इट इन 7 डेज और रिप्लेस ऑल्सो, बट वी विल नॉट रिटर्न यू द लेंस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि लेंस के पैसे तो हमने आपको क्या किया भैया, तो लेंस अगर आपका नंबर वाला है तो लेंस के पैसे हमने आपसे चार्ज किया और वो हमारे कोई काम के नहीं है, तो वो पैसा तो आपका डूब गया। अब आप समझिए कॉन्ट्रैक्ट एक ही है ऑनलाइन सेल का ऑफ फैशन एसेसरीज और गारमेंट्स, बट सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिटर्न पॉलिसी है, तो सबका रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी अलग अलग होगा। तो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो पहले, तो स्टेप वन क्या, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। फाइव स्टेप मॉडल में आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, गो थ्रू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो आपको उसमें क्या निकल के आएगी, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल प्रॉमिसेस हैज द सेलर मेड, जिसे बोलते हैं पीओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो आप कॉन्ट्रैक्ट में पता करो कि हमने क्या क्या प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट में की है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉमिस की, एक्वागार्ड के केस में आई मेड अ प्रॉमिस ऑफ ए सप्लाइंग द एक्वागार्ड एट योर डोर स्टेप्स, इसका मतलब ए मैं आपको गुड्स दूंगा, बी उसकी डिलीवरी दूंगा, सी इंस्टॉलेशन भी करके दूंगा, डी 1 साल की फ्री सर्विस भी दूंगा, 4 प्रॉमिस। तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप टू में आप आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द प्रॉमिस व्हिच यू हैव मेड और द प्रॉमिसेस व्हिच यू हैव मेड।
एंड देन स्टेप टू ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है कि आप फिर आइडेंटिफाई करो कि ये सारी प्रॉमिस अपने आप में इंडिपेंडेंट अलग अलग प्रॉमिस हैं या ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि गुड्स बना के आपके घर पे डिलीवर करके इंस्टॉल करने की पूरी प्रॉमिस एक प्रॉमिस हो और सर्विस करने की प्रॉमिस एक अलग प्रॉमिस हो। तो स्टेप टू बोलता है कि आप अलग अलग प्रॉमिस आइडेंटिफाई करो और उसमें देखो कौन सी कंबाइंड एक प्रॉमिस है और कौन सी इंडिपेंडेंट प्रॉमिसेस हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपने मारुति कंपनी की गाड़ी खरीदी, तो मारुति कंपनी बोलती है कि इसकी 3 फ्री सर्विस हम आपको देंगे। हमने बोला भाई 3 फ्री सर्विस आप क्यों दे रहे हो यार, हमको समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूँ, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कंपनी लाइक शेवरोले, तो शेवरोले भी खैर फ्री सर्विस देता है, बट इफ आई गो टू बेंज, इफ आई गो टू ऑडी, इफ आई गो टू BMW, ये तो कोई फ्री सर्विस नहीं देते। अब मारुति कंपनी बोलती है नहीं, हम तो फ्री सर्विस आपको देंगे ही देंगे, आपको लेना ही पड़ेगी, आपकी इच्छा है तो कराओ नहीं तो नहीं कराओ। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है ये 3 इंपॉर्टेंट फ्री सर्विस है, अगर ये हम नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगा। हम चार्ज करते थे, कई सारे कस्टमर कराते नहीं थे, हमारी गाड़ियों का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता था, इसलिए ये तो मैंडेटरी आपको कराना ही है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मारुति कंपनी जब गाड़ी बेच रही है तो आपके साथ वो 2 प्रॉमिस कर रही है, एक आपको गाड़ी देने की और दूसरा प्रॉमिस है 3 फ्री सर्विस करने का। इनफैक्ट 3 फ्री सर्विस को आप बोल सकते हो ये 3 अलग अलग प्रॉमिसेस है, पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये सब अलग अलग है या ये सब एक इंटीग्रेटेड प्रॉमिस है, और उसके बेसिस पे फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। शायद यहाँ पे ये पूरी एक प्रॉमिस हो, लेकिन वहीं पर अगर मैं ये कहता कि मारुति कंपनी आपको गाड़ियाँ 2 लॉजिक से बेचती है, एक विदाउट एनी फ्री सर्विस और एक 3 फ्री सर्विस के साथ, दोनों की प्राइस अलग अलग है, तो फिर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दीज प्रोमिसेज आर इंडिपेंडेंट। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी अभी तक, कॉन्ट्रैक्ट समझा, पता किया कौन कौन सी प्रोमिसेज है, देखा ये प्रॉमिसेस को जोड़ के एक प्रॉमिस की अकाउंटिंग करना है या इनको अलग अलग करके सेपरेट प्रॉमिस मानना है। आगे इंडेस क्या बोलेगा शायद आपको समझ में आ गया, इंडेस फिर बोलेगा कि आप पता करो कॉन्ट्रैक्ट में स्टेप 3 में प्राइस कितनी है, और एक बार आपको पता पड़ जाए कि आपकी प्रॉमिसेस कितनी है और उसके अगेंस्ट में प्राइस कितनी है, तो फिर आप एक लॉजिकल बेसिस पे आपकी प्राइस को इंडिपेंडेंट प्रॉमिसेस में अलोकेट कर दो। बस स्टेप 5 बोलेगा जैसे जैसे आपकी प्रॉमिस सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे उसका अलोकेटेड रेवेन्यू बुक होते जाएगा, फिनिश खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप 1 आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द प्रोमिसेज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन डिटरमाइन वेदर दीज प्रोमिसेज आर इंडिपेंडेंट प्रोमिसेज और दे आर कंबाइंड 1 प्रोमिस, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वेन विल दीज प्रोमिसेज बी टर्म्ड एज सेटिस्फाइड, ताकि हम रेवेन्यू उस समय रिकॉर्ड कर पाए। स्टेप 3 पे फिर हम क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस, एंड देन स्टेप 4 में हम उस ट्रांजैक्शन प्राइस को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोमिसेज में अलोकेट कर देंगे। स्टेप 5 बोलेगा जैसे जैसे प्रॉमिस सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होते जाएगा। ये पूरे लॉजिक के ऊपर इंडेक्स बैठा हुआ है, अगर आपके दिमाग में ये आ गया तो हमने एक अच्छा खासा समराइजेशन कर दिया है 115 किस तरह से आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब अपन ड्रोन चार्ट्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे ड्रोन चार्ट्स क्या बताते हैं। तो एज सच वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ड्रोन चार्ट्स आप बिंदास आराम से देखिएगा, प्रिंट आउट निकाल के आपकी स्क्रीन पे। मैंने अभी आपको जो बताया बेसिकली ये 5 स्टेप का आपका मॉडल है। ये 5 स्टेप्स में अपने को क्या क्या चीजें देखना है, स्टेप 1 में मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले समझो, स्टेप 2 में देखो कि प्रोमिसेस क्या क्या है, जिसको पूरे इंडेक्स में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा गया, आप ये शब्द यूज करेंगे। इसमें आप देखो व्हाट इज, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है, आपको इंडिविजुअल POs निकालना है और देखना है कब माना जाएगा ये PO सेटिस्फाई हो गए, ताकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आए। फिर आप TP निकालिए, TP का मतलब होता है ट्रांजैक्शन प्राइस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में इन्हें AS9 में हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू बेसिकली डू व्हाट, वी यूज टू सी द सेल्स प्राइस। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वी से ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन यूनिक हो सकता है तो आपको उसकी प्राइस देखना है। और एक बार आपने ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली तो उसमें फिर बहुत सारे आपके साथ कैलकुलेशंस आएंगे, जैसे कि कैशबैक हो सकता है, कई बार कंटिंजेंट कंसिडरेशन होता है कि आपको क्या बोला है कि भाई इतने पैसे और परफॉर्मेंस ऐसा हुआ तो इतने, और होता है ना आपने AS7 या IND AS 11 जो पहले होता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर 3 साल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो हम आपको क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे, या 4 साल तक नहीं किया तो इतनी पेनल्टी लगेगी। तो कंसिडरेशन भी कंटिजेंट हो सकते हैं, ये सब अपन स्टेप 3 में पढ़ेंगे। और स्टेप 4 बोलता है ट्रांजैक्शन प्राइस को अलग अलग इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट कर दो
और फिर स्टेप फाइव बोलता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करो जब जब रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म होती जाए, सेटिस्फाई होती जाए। इतना सिंपल है ये 5 स्टेप से। ये समझ लिए तो पूरे 200 पैराग्राफ प्लस जितने इंडेस के समझ में आ जाएंगे। कूल ठीक है। पर इंडेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या इंडेस सिर्फ रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बातें करता है, तो और भी करता है कुछ? तो आप एक चीज़ समझो, हर इंडेस सबसे पहले आपको उसका स्कोप और एप्लीकेबिलिटी समझाएगा। तो अगर आप इंडेस का एक हेलीकॉप्टर व्यू लेंगे या ड्रोन व्यू लेंगे, अगर आपका ड्रोन ऊपर से जा रहा है और ऊपर से आप अगर एकदम ऊंचाई से इंडेस की तरफ देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि इंडेस एक तो एप्लीकेबिलिटी और स्कोप की बात करता है। देन इट टॉक्स अबाउट द 5 स्टेप मॉडल, जिसमें पूरा इंडेस एज सच मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द इंडेस इज कवर्ड, प्लस इंडेस साथ साथ में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की भी बात करता है। यानी कि आपने अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, यानी कि जो परफॉर्मेंस आपने किया है जब आप रेवेन्यू बुक करोगे, उसमें जो कॉस्ट आपने इनकर की है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग। हर इंडेस की तरह ये इंडेस भी आपको बताएगा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे होंगे। और उसके बाद इस इंडेस में अपेंडिक्स दिए गए हैं, और इन अपेंडिक्स में बेसिकली कुछ स्पेसिफिक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आपको गाइडेंस दी गई है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप कैसे करोगे। तो मैंने ऐसे स्पेसिफिक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे गाइडेंस दिया रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, इसका मतलब ये हुआ कि कैशबैक वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना चाहिए, कंसाइनमेंट सेल्स में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए, डिस्काउंट कूपन्स अगर हैं तो उसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस तरह से होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा अगर गुड्स सेल हो गए पर डिलीवर नहीं हुए हैं, ऐसी सिचुएशन है। रॉयल्टी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है, जो सेल्स बेस्ड होती है रॉयल्टी, उसमें इतने अलग अलग वैरायटी ऑफ केसेस जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, ऐसे केसेस उन्होंने अपेंडिक्स में अलग से डील किए। जो आपने अगर इंडेस का फंडामेंटल लॉजिक अच्छे से समझ लिया, तो आपके लिए सिर्फ वो एक प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और उसको आप खुद इंटरप्रेट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में अपेंडिक्स दोस्तों फर्स्ट टाइम अडॉप्शन की भी बात करता है कि जब आप ट्रांजिशन पे आओगे, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन नॉर्मली शब्द हम इंडेस के लिए यूज करते हैं, यहां पे हम ट्रांजिशन यूज करेंगे। ट्रांजिशन का मतलब क्या है दोस्तों, इंडेस 115 जब आया तो उसने इंडेस 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंडेस 18 रेवेन्यू एंड गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को विड्रॉ कर दिया। तो ये तीन प्रोनाउंसमेंट्स इंस्टीट्यूट के विड्रॉ हो गए, इंडेस 115 लागू हो गया और ये ऑलरेडी इफेक्टिव है। नाउ इंडेस 115 लागू होने से ये तीन चीजें हट गई। इसका मतलब ऐसा है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर पहले भी तो कोई स्टैंडर्ड था, तो अब आप उस स्टैंडर्ड से इस स्टैंडर्ड पे आओगे तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ज्यादा कौन सी बड़ी आएगी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जो आधे अधूरे कंप्लीट हुए हैं। एंड मैंने ऐसे आधे अधूरे कंप्लीट हुए हैं, इसका मतलब आप समझ गए, मुझे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 3 साल में बिल्डिंग बनाना थी और उसको 2 साल हो चुके हैं, और अब इंडेस 115 मुझ पे लगने लग गया। अब इसी बात है, इंडेस 115 सिर्फ किस पे लगता है, जो कंपनियां इंडेस फॉलो कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने वाली कंपनियां आज भी AS9 ही फॉलो कर रही है, पर ओल्ड कोर्स में क्योंकि RTP में आए इसलिए वो लोग पढ़ रहे। तो इस लॉजिक से अगर मुझ पे इंडेस 115 बीच में लगा, तो मैं कैसे मूव करूंगा फ्रॉम इंडेस 11, 18 एंड गाइडेंस नोट ऑन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टू इंडेस 115, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन फेज में 2 ऑप्शन दिए गए, वो हमको डिस्कस करना है, और एक स्पेसिफिक और स्पेशल डिस्कशन है सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स का, जिसको आप एकदम आम भाषा में क्या बोल सकते हो, टोल रोड्स वगैरह तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखो तो इस इंडेस में यू विल फाइंड एप्लीकेबिलिटी स्कोप, देन 5 स्टेप मॉडल जो सबसे बड़ा डिस्कशन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, स्पेशल टॉपिक्स जो मैंने बताया कुछ एग्जांपल्स अपेंडिक्स में दिए हुए, और ट्रांजिशन टू इंडेस 115। ये सारी चीज़ें ड्रोन चार्ट में, कहीं मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं तो मैंने आपको ऐसा लेजेंड दे दिया है, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स कहीं दिखे तो आप समझ जाना ये वर्ड्स यूज़ किए, क्योंकि ये रिपीटेटिवली यूज़ हो रहे हैं तो हमने जगह बचाई है इस तरह से। ऑल्सो ये जो ओवरव्यू है ये क्यों है, बिकॉज हर इंडेक्स पढ़ाने से पहले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, आई फर्स्ट क्रिएट एन ओवरव्यू सो दैट आपको एग्जैक्टली पता है कि दोस्तों आप कहाँ हों और आगे क्या क्या आने वाला है, ताकि जब मैं आपको 5 स्टेप मॉडल में आपको से फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस समझा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में ये नहीं आए कि यार प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, आपको मालूम है वो आगे आएगा। प्लस आपको एक फ्लो बताए कि ये चीज़ पहले आएगी, कॉस्ट बाद में आएगी, ट्रांजिशन और कुछ स्पेशल केस आखिरी में,
आप प्लान कर सकते हैं और आपको एक्चुअल में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सारे इंडेज ऐसे हैं नहीं दोस्तों कि अभी शुरू किए और 1-2 घंटे के सेशन में कंप्लीट हो गए या 3 घंटे के सेशन में कंप्लीट हो गए, हालांकि हम समराइज इसको बहुत कम समय में कर लेंगे। तो दैट इज वाई वी यूज दिस टेक्निक एंड दैट इज वाई वी आई फील पर्टिकुलरली दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो आर वेरी कंफर्टेबल। अदरवाइज कई जगह तो स्टूडेंट को पता ही नहीं पड़ता है कि इंडेक्स चालू हुआ और खत्म हो गया, बताना पड़ता है ये खत्म हो गया, अच्छा अब खत्म हुआ क्या। अपन ऐसा ना करें, अपन एक पिक्चर बना के चले, और जितना लंबा स्टैंडर्ड है दोस्तों उतना समराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जरूरी है ताकि आप उसको दिमाग में एब्जॉर्ब करके एग्जाम तक ले जा पाओ। मैं इंडिविजुअली आपको सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ा दूंगा, पर जब तक आप उनको आपस में लिंक करके उसकी कोई सिम्फनी क्रिएट नहीं करेंगे, यू विल नॉट एक्चुअली एंजॉय द म्यूजिक। तो दिस इज सिम्फनाइजेशन ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट गिवन यू द ओवरव्यू इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन द इंडियस ऑल टुगेदर। चलिए, तो इंडेस में सबसे पहले अगर आपको एप्लीकेबिलिटी और स्कोप समझना है, जैसा कि हर इंडेस बताता है कि भाई हम किस किस पर लागू होंगे किस पर लागू नहीं होंगे, तो ये एप्लीकेबिलिटी और स्कोप है। आप डिटेल में बिंदास आराम से पढ़ते रहिएगा दोस्तों, मैं आपको क्विकली इसका एक समराइजेशन दे देता हूँ। समझना, इंडेस किस पे लगेगा? सबसे पहली बात, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स का बेसिक उद्देश्य सिर्फ उसका रेवेन्यू शो करना है, सॉरी उसकी रेवेन्यू की अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करना है जिसे आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हो। तो इट्स ए सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विल बी कवर्ड अंडर दिस इंडेक्स। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट्स या पीपी इस तरह की चीजें बेचते हैं कभी कभी, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए ये इंडेक्स लागू नहीं होगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली इस इंडेक्स में कवर नहीं होंगे, इससे बाहर रखे गए। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ इंडेस जिनको एक्सक्लूजन में डाल रखा है वो इंडेस ही कहते हैं कि यहाँ पे डी रिकग्निशन यानी सेल कब बुक होगी, जब इंडेस 115 कहेगा। इसलिए अगर किसी ने एमसीए का नोटिफिकेशन देखा हो जब इंडेस 115 आया था, तो उन्होंने देखा होगा कि इंडेस 115 के आने से देर वर समवेयर अराउंड 9 to 10 अदर इंडेस जिसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे 115 के आने के कारण। और इतने सारे इंडेस में 115 के कारण क्यों अमेंडमेंट हुआ? क्योंकि पहले उन इंडेस में ऐसा लिखा जाता था, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इंडेस 16 पीपी कहता था, पीपी को सेल डिस्पोजल यानी कि उसकी डीरेकग्निशन की अकाउंटिंग तब करेंगे व्हेन प्रिंसिपल्स ऑफ डीरेकग्निशन गिवन अंडर 115 आर सैटिस्फाइड। तो पहले वो कहता था व्हेन प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन अंडर इंडेस 18 रेवेन्यू आर सैटिस्फाइड, देन रेवेन्यू विल बी रिकग्नाइज्ड, इनफैक्ट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट विल बी रिकग्नाइज्ड। अब उस 18 को रिप्लेस करके 115 कर दिया, तो आप ये समझ जाइए कि ऑर्डिनरी कोर्स में गुड्स और सर्विस बेचोगे तो ये इंडेक्स लगेगा, पीपी की सेल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लीजेस, इन सब के ऊपर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है तो ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंडेक्स स्पेसिफिकली बोलता है कि 115 के प्रिंसिपल्स आपको यूज करना है जबकि यहां एक्सक्लूड कर रखा है, तो आप 115 के प्रिंसिपल्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। दिस इज द बेसिक एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कोप सॉरी ऑफ द स्टैंडर्ड इज बेसिकली टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ए व्हेन एंड हाउ मच रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, बी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट हाउ टू अकाउंट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड in completing the contract against which you are recognizing the revenue, and see presentation and disclosure of items in the financial statement, that is the basic objective. अब applicability और scope में दोस्तों आपको जो एक चीज अच्छे से समझना है वो basically क्या है, वो ये कि अगर कभी कोई ऐसा contract है जिसमें partially दूसरा index लग रहा है और partially 115 लग रहा है, नाउ व्हेन आई से पार्शियली पार्शियली इसका क्या मतलब हुआ? से मैंने कोई एक पर्टिकुलर कंपनी खरीद ली तो बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103 लग गया। अब कंबक कंपनी खरीदी है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी फिक्स एसेट्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग और उसका स्टॉक सब खरीद लिया, तो जो मैंने उसका स्टॉक परचेज किया है उसके लिए सामने वाली कंपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी? प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेलर ने दो चीजें सेल की है, एक तो बिजनेस और साथ में अपना स्टॉक, हाउ विल दे डू दी अकाउंटिंग? तो यहाँ पे क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड लगेगा पूरे पे, या जो स्टॉक का पोर्शन सेल किया उसके ऊपर इंडेस 115 लगेगा?
तो ये इंडेक्स बोलता है कि भाई अगर ऐसा कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आए कि थोड़ा दूसरा थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड लग रहा है, तो आप दूसरे स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरा स्टैंडर्ड साइलेंट है तो फिर आप इंडेस 115 पे आओ, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कवर्ड अंडर मोर देन वन स्टैंडर्ड्स द प्रॉब्लम विल बी विथ रिस्पेक्ट टू अलोकेटिंग द कंसिडरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर्स। ये इंडेस बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज की सेल तो इस इंडेस 115 में बुक होगी, पर कितनी बुक होगी, अमाउंट क्या ले। तो अगर आपको टोटल पीसी परचेज कंसिडरेशन स्प्लिट करना है दो पार्ट में, तो पहले आप देखिए कि क्या आपका रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड कुछ बताता है क्या कि ये स्प्लिट कैसे होगा। तो सपोज अगर मैं बात करूं इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन बायर एक्वायरर के लिए तो एप्लीकेबल होता है, रेलिवेंट होता है, लेकिन सेलर के लिए नहीं होता है। तो वहां कोई अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं है, तो फिर आप 115 के प्रिंसिपल लगा के टोटल प्राइस को अलोकेट करना बिटवीन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और बिजनेस एंड सेल ऑफ गुड्स। समझ में आया? यानी है गुड्स और सर्विस सेल करोगे तो 115 ही लगेगा, पर एक कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स और सर्विस के साथ कोई दूसरी चीज भी बेच रहे हो और एक सिंगल प्राइस में बेच रहे हो, तो ये जो टोटल प्राइस का अलोकेशन आपको गुड्स और सर्विस और अदर्स में करना है, अगर दूसरा इंडेस ही अलोकेशन का सिद्धांत दे रहा है कि प्राइस कैसे अलोकेट होगी इसे इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू और वट एवर, तो आप वो फॉलो करो। नहीं है तो फिर आ जाओ, 115 आपको बताएगा, वो फॉलो करना। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी और स्कोप में यही इंपॉर्टेंट है। अब अपन आ जाते हैं सबसे पहले स्टेप पे। स्टेप वन इज कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, लेट्स स्टार्ट दिस। कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का मतलब क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा तो आपने सीबीडी में ही पढ़ ली होगी, पीकॉम में भी पढ़ी होगी, अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वाह वाह सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की क्या परिभाषा है? तो कॉन्ट्रैक्ट की वही डेफिनेशन है, पर इनको समझाने का तरीका अलग है। ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब कोई भी पार्टी अपनी अकेले की इच्छा से बिना किसी पेनल्टी दिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। तो मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, दैट मीन्स व्हाट इट सेज इज कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज एनफोर्सिएबल। ऑब्वियसली इट कंटेन्स प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। जैसा आप लोगों ने सीपीडी में पढ़ा होगा, सीपीडी में कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहते थे, कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वेयर प्रॉमिस ऑफ वन इज कंसिडरेशन ऑफ अनदर। सिंपल भाषा में, मैंने आपको कुछ वादा किया, बदले में आपने मुझे कुछ वादा किया, मैंने गुड्स देने का, आपने पैसे देने का, तो माना जाएगा कि ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोवाइडेड वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ, अनलॉफुल ना हो। इसका मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक प्रॉमिस होगी और उसके बदले में कंसिडरेशन होगा। किसके लिए? सेलर के लिए। सेलर की प्रॉमिस होगी गुड्स और सर्विस देना और कंसिडरेशन होगा पैसा या किसी दूसरे फॉर्म में कोई कंसिडरेशन प्राप्त करना। इस लॉजिक से कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो उन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश और इंश्योर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में आप सोचना भी मत। इन्होंने बुलाया, देयर आर फाइव कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड, ओनली देन यू विल से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तब रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात आगे बढ़ेगी। तब आप समझिए, सबसे पहली चीज ये कहता है कि अगर आप कोई भी पार्टी यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। ये बात तो आप पहले दिन सोच लीजिए, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने बोला कि यार एग्जाम खत्म हो रही है अब हमारी जून में, इस बार तो 15 जून की आपने टिकट करा ली, कहाँ की, गोवा की। तो आपने बोला एग्जाम खत्म होते से ही सीधे गोवा जाएंगे, अभी आपने क्या किया, अभी से बुकिंग करा दी। तो आपने यहाँ से कॉल किया और कॉल करके आपने क्या किया, से फॉर एग्जाम्पल गोवा में लीला होटल बुक करा दी। लीला होटल की स्कीम चल रही है, एडवांस बुकिंग करा लीजिए बिना कोई पैसे दिए और आप उसको 3 दिन पहले तक कैंसिल करा सकते हो। आज मैंने उधर एडवांस बुकिंग करा दी, अपने नाम से 2 रूम बुक करा दिए, दो क्यों वो सब छोड़ो। और आपने क्या किया है, बोल दिया है कि भैया हमें 15 तारीख से 20 तारीख तक वहां रहना है, कोई एडवांस नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्या गोवा कंपनी, सॉरी लीला होटल के लिए, लीला गोवा होटल के लिए? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, एक ऑर्डर आया है जो कभी भी कैंसिल हो सकता है। सपोज अगर गोवा कि लीला होटल आपको ये कह दे कि ये बुकिंग करने के लिए आपको 10,000 रुपये एडवांस देना पड़ेगा, पर ये पूरा का पूरा रिफंडेबल है अगर आप 3 दिन पहले तक बुकिंग कैंसिल कराते हैं,
तो भी प्रैक्टिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कि एडवांस तो दिया है, लेकिन जब आप चाहो तब कैंसिल कर सकते हो अपनी इच्छा पे, और पूरा पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि 10,000 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे अगर आपने कैंसिल किया है, देन इन दैट केस यू कैन से देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब कमिटमेंट आ गया, अब आप इससे बिना पेनल्टी दिए बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आपने रेलवे की टिकट बुक कराई है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्यों? क्योंकि बिना कैंसिलेशन फीस के अब आप टिकट कैंसिल नहीं करा सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आज ही रेवेन्यू बुक कर दो। तो आज अगर आपने रेल की टिकट खरीदी और आपका ट्रैवल 1 महीने बाद है, तो ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू आज बुक होगा, वो तो आप बहुत आगे पहुंच गए। आज आपको सिर्फ क्या करना है, आज आपको बोलना है हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, फिर वो टिकट तत्काल की हो या नॉर्मल हो, 100% रिफंड, सॉरी 100% पैसा डिडक्ट हो या पार्शियल डिडक्ट हो के रिफंड हो, कैंसिलेशन फीस अगर इन्वॉल्व हो रही है तो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लॉजिक क्या है? अब इसी बात है, कैंसिलेशन फीस है, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज अब कमिटेड हैं और कोई भी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती, कैंसिल करने पे डैमेजेस देना पड़ेंगे, डैमेज देके तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो ही सकते हैं। तो यूनिलैटरली कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट एनी पेनल्टी आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला बेसिक फंडामेंटल समझ जाना। बायलैटरली कैंसिलेबल है तो वो तो हर कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों म्यूचुअल इच्छा से कैंसिल करना चाहते हैं, तो वी एंड यू हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड वी वांट टू कैंसिल इट। मैं नहीं कर सकता कैंसिल, आप भी नहीं कर सकते, बट दोनों म्यूचुअली करना चाहते हैं। अपन दोनों बोलते हैं कि चलो ठीक है यार करो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यार चलो मैं आपको गाना गाना सिखाऊंगा, आपने बोला बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत बढ़िया, एक काम करो आपके लाइव सेशन की क्या फीस है, हम देने को तैयार हैं। आपने दे दिया, मैंने एक बार गाना गाया, आपने सुना, आपको बहुत बढ़िया लगा, और आपने बोला बस सर अब और नहीं सीखना है, क्यों? क्योंकि क्या कला है आपकी। मैंने बोला यार चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं भी समझता हूँ, म्यूचुअली कैंसिल करना है वो बात अलग है, यूनिलैटरली कोई कैंसिल नहीं कर सकता। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये समझने के बाद अब आप देखो, इंडेक्स कहता है 5 कंडीशन पूरी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट मानोगे कि आपका एग्जीक्यूट हो गया है, तो आगे बढ़ना, स्टेप 2, 3, 4, 5 पे जाना। क्या कंडीशन है? पहला, पार्टी ने अप्रूव कर दिया और कमिटेड है, अप्रूवल ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, कस्टमरी हो सकता है, कस्टमर यानी पत्था चली आ रही है, सुना होगा आपने सीपीटी में, बस आके खड़ी हुई, मैं ऊपर चढ़ गया, ना उसने हमें कुछ कहा ना हमने उससे कुछ कहा, बस इशारों ही इशारों में टिकट फट गया। तो ये भी क्या है? कस्टमर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी चलेगा। सेकंड, जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाइड होना चाहिए दोनों पार्टी के, किसको क्या करना है ये पता होना चाहिए। इफ यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर वेयर वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसका मतलब क्या है? मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यार सीए बन जाओ, सीए बनने के बाद दोनों अपन साथ में मिलकर यार कुछ करेंगे, यार बढ़िया करेंगे, यार हाँ यार सर ठीक है करेंगे, आपके साथ करेंगे, ठीक है हमको लगता है बुढ़ापे की सहारा होना चाहिए कोई, तो ये इसमें क्या करेंगे, क्या प्राइस है, कुछ डिसाइडेड ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि राइट्स और ऑब्लिगेशन डिसाइडेड होना चाहिए और पेमेंट टर्म्स भी डिसाइडेड होना चाहिए। एंड देन आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट में, ए कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इन्फोर्सिएबल है, दोनों पार्टीज कोई यूनिलैटरली कैंसिल नहीं कर सकती, प्रॉमिस भी पता है दोनों की क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं और कंसिडरेशन भी पता है, तो आपको फिर ये देखना है कि इसका कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। क्या मतलब कमर्शियल सब्सटेंस? सपोज फॉर एग्जाम्पल क्लास में हम बैठे हैं और आपको उसकी पसंद है और उसे आपकी घड़ी, तो आपने उसे बोला कि यार तेरी घड़ी मुझे दे दे, मेरी घड़ी तू रख ले। मैंने बोला यार सेम ही तो है, क्या फर्क है? मैंने बोला यार लाल वाली मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा यार मुझे तुम्हारी नीली वाली बड़ी पसंद है। हमला कोई नहीं, एक्सचेंज कर लेते हैं घड़ी। तो दोस्तों प्रैक्टिकली एक चीज समझो, अगर दोनों के पास से, फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ अस हैव वॉट एप्पल सीरीज 4 वॉच, ही हैज अ रेड बेल्ट वॉच, आई हैव ब्लू बेल्ट वॉच, बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम प्राइस एंड वी आर एक्सचेंजिंग इट, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कमर्शियली देर इज नो सब्सटेंस। तो आप इसमें कोई रेवेन्यू वेवेन्यू रिकॉर्ड मत कर देना दोस्तों। ऐसे कई बार क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं बेसिकली टू फैसिलिटेट ईच अदर। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपके इंडेक्स में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो ऑयल कंपनी हो सकता है कि अपने ऑयल के स्टॉक को अलग अलग लोकेशन पे एक्सचेंज करें बिकॉज ऑफ मीटिंग अप द शॉर्टेजेस एंड एक्सेस स्टॉक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर में हमारे एचपीसीएल के पेट्रोल पंप में कहीं पेट्रोल खत्म हो गया और हमारे डिपो पे पेट्रोल है नहीं, पर बीपीसीएल के पास ज्यादा है, तो मैंने बोला यार तुम्हारा थोड़ा पेट्रोल हमें दे दो। बीपीसीएल ने बोला यार उधर दिल्ली में हमारे पंप में दिक्कत है, एचपीसीएल ने बोला वहां पे उतने ही लीटर पेट्रोल हम तुम्हें दे देंगे।
तो टेक्निकली यहाँ पेट्रोल पेट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है दोस्तों, तो ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इस इंडेस में। हाँ, अगर कमर्शियल सब्सटेंस होता वो कब होता दोस्तों, जब दोनों के नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में फर्क है, दोनों गुड्स और सर्विसेज अलग अलग है। दैट मींस हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ONGC तुम हमें क्रूड ऑयल दो, हम तुम्हें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देंगे, तो यहाँ पे फिर कमर्शियल सब्सटेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, बार्टर को इस इंडेस में कवर किया गया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्सचेंज ऑफ सिमिलर आइटम्स बिटवीन टू एंटिटीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। सिमिलरली इस इंडेस ने एक चीज और कही है कि दो लोग अगर मिलके साथ में कोई काम करते हैं और बोलते हैं इसे बेच के फिर अपन जो पैसे कमाएंगे बांट लेंगे, तो ये दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। इसे बोलते हैं कोलाबरेशन अग्रीमेंट्स। मतलब मेरे पास जमीन है और आपके पास बिल्डिंग बनाने की कला, मुझे बिल्डिंग बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और आपको जमीन नहीं मिल रही है, मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, आप आ जाओ इधर, पूरा बिल्डिंग बनाने का खर्चा आपका, जमीन पूरी मेरी, जो टोटल बनेगा उसका आधा आधा अपन कर लेंगे, आधे फ्लैट मैं बेचूंगा आधे फ्लैट तुम बेचना। क्या मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस हुआ है क्या? नहीं। तो भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट है पर ये इस इंडेस के स्कोप से बाहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं हुआ है। यानी पहले आप देखो इंडेस के स्कोप में आ रहे हैं या नहीं। तो कोलाबरेशन अग्रीमेंट्स में एज सच कोई सेल ऑफ गुड्स और सर्विस है ही नहीं, ये तो ज्वाइंट वेंचर है। तो पहले तो सेल ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए तो अपन इंडेस पड़े, और वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो कॉन्ट्रैक्ट की 5 कंडीशन फुलफिल करे। कौन सी 5 कंडीशन? सबसे पहली, कमिटेड होना चाहिए दो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे, ओरल रिटर्न कस्टमरी किसी भी फॉर्म पे। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोमिसेस हर पार्टी की पता होना चाहिए, दिखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे। तीसरा, पेमेंट टर्म्स डिफाइंड होना चाहिए। चौथा, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। और पांचवा, उम्मीद होना चाहिए पैसा मिलेगा। अगर आपको कोई उम्मीद नहीं है पैसा मिलेगा तो जब तक उम्मीद ना बधे तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बाधो ही मत हुआ है, आप ये बाधो सेवा कर रहे हो। आप समझ में आ गया? इंटरमीडिएट पास किया हमने, IPCC पास किया, एक CA के आ गए, हमने CA को बोला ट्रेन कर सकते हो हमें, उसने बोला क्या मतलब है इसका, हमने बोला कर सकते हो तो ट्रेनिंग पे रख के बताओ, दो हमें आर्टिकलशिप और बताओ हमें ट्रेन करके, तो माने आपकी ट्रेनिंग को। समझ नहीं आया उसको, तो हम गए ट्रेनिंग लेने के लिए एक CA के पास में। CA ने बोला चल एक काम कर, अभी तू आ 5-6 दिन आ काम कर, देखते हैं समझते हैं। हमने बोला हाँ ठीक है, हम भी समझते हैं करना है या नहीं, क्या दोनों पार्टीज कमिटेड है नहीं, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं, आया समझे? बट देन आफ्टर दैट से फॉर एग्जाम्पल बोथ द पार्टीज कमिट, तो हमने क्या किया, एक अग्रीमेंट बना लिया, तो क्या कमिटमेंट आ गया आर्टिकलशिप का? यस, रजिस्टर कर लिया तो कमिटमेंट आ गया। अब इसमें क्या राइट्स और ऑब्लिगेशन डिफाइंड है? थैंकफुली ICAI ने गाइडलाइंस में दे रखा है कि भैया आर्टिकल से क्या क्या काम करा सकते हैं, वो बात अलग है रियल लाइफ में क्या होता है, बट गाइडलाइन बताती है कि आप उससे बिजली का बिल नहीं भराओगे, घर के काम नहीं कराओगे, आप उसको पर्सनल लेवल पर किसी भी चीज करने के लिए बाध्य नहीं करोगे, आप उसको समय के समय पर रखोगे। ये वो चीजें हैं जो नहीं होती है बट दी हुई है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी डिफाइंड है, पेमेंट टर्म्स भी आपकी डिफाइंड है कि आपको हर महीने कितने मजदूरी देना है, स्टाइपेंड सॉरी, एंड कमर्शियल सब्सटेंस तो ऑब्वियसली है ही है इस अग्रीमेंट का। बस अब आपको आखिरी में ये इंश्योर करना है क्या कि अगर आप इस तरह के अग्रीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे जो पेमेंट टर्म्स है क्या आपको उम्मीद है स्टाइपेंड मिलेगी, या आपको लगता है चेक से आके कैश पे रिटर्न होगी, कैश बैक है ना, हमारे CA का अलग कैश बैक चलता है, तो फिर उस केस में आप बोलो रियलाइजेशन सर्टेनिटी नहीं है तो फिर रेवेन्यू कोई है ही नहीं, भूल जाओ कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होगा। लॉजिकल सी बात है, अगर आप गुड्स दे रहे हो विद एन एक्सपेक्टेशन दैट यू विल गेट मनी बट यू रियली आर नॉट सर्टन इफ यू विल गेट मनी और नॉट, यू विल नॉट ट्रीट अस एज अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर जब रेवेन्यू आएगा तब की तब देखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रियलाइजेशन सर्टेनिटी का मतलब पैसा मिलना 100% श्योर है, सर्टेनिटी मतलब आप रीजनेबली श्योर हो कि आपको पैसा मिलेगा, प्रोबेबल मोर लाइकली दैट यू विल रिसीव द मनी। तो जैसे नॉर्मली अपन लोग एक यू समझ लीजिए कि आप के एक गारमेंट शॉप है और आप गारमेंट्स सेल करते हैं, और से फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन आता है और वो कपड़े लेके जाता है आपसे कुर्ते पजामे और बोलता है कि लड़के को भेज देना घर पे पैसे लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कमर्शियल सब्सटेंस है, पार्टीज कमिटेड है, परफॉर्मेंसेस हमें क्या करना है पता है, प्राइस भी पता है, लेकिन हो सकता है रियलाइजेशन सर्टेनिटी ना हो क्योंकि लड़के को हम भेजते हैं पैसे आते नहीं, पिछली बार तो लड़का भी नहीं आया था, तो इसका मतलब आप मान लो कि अभी कोई रेवेन्यू बुक करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले 5 कंडीशन पूरी हो तो मानना कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, प्लीज अंडरस्टैंड।
दो अच्छी चीजें आपको समझना है कॉन्ट्रैक्ट में, वो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन इस इंडेक्स को अभी तक पढ़ के आपको समझ में हो गया आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन सेपरेटली होगा। तो आपको ये समझना है कि दो कॉन्ट्रैक्ट मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ डू आई अंडरस्टैंड और असेस दिस? समझिए, मुझे से फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट मिला बिल्डिंग बनाने का, 6 महीने बाद मुझे बोला गया कि यार फर्निशिंग भी आप ही कर दो, क्या ये फर्निशिंग करने का जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या ये अपने आप में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है या ये उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक मॉडिफिकेशन, एक एडिशन, एक एक्सटेंशन है? इसका क्या इंपॉर्टेंस है और रेलेवेंस है? ऑब्वियस सी बात है, दोनों में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होने से रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग अलग तरीके से होगा। तो इंडेस क्या कहता है? तो सबसे पहले इंडेस बोलता है प्लीज अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट करना है या कंबाइन करना है ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो मुझे पूना से मुंबई 400 किलोमीटर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें 1,000 रुपये मुझे मिलेंगे और 800 रुपये मुझे लगता है मेरी कॉस्ट लगेगी, और मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो इंडेस 115 लग रहा है। शुरू में मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर साथ ही साथ में मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट और मिल गया जिसमें मुझे मुंबई से जयपुर की 400 किलोमीटर की रोड बनाना है, ज़्यादा होता है ठीक है। अब आप समझिए पूना टू मुंबई एंड देन मुंबई टू जयपुर, ये मैंने रोड बनवाई है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 1,100 रुपये मिलेंगे और 800 रुपये मेरी कॉस्ट का एस्टिमेट है, थोड़ी जान पहचान हो गई थी सरकार में, अपन ने प्राइस बढ़वा ली। अब आप समझो इन दोनों को अलग अलग मानोगे और सेक मानोगे तो दोनों में क्या फर्क होगा समझना। सपोज आपने दोनों को अलग अलग माना और ये वाली रोड आपकी पूरी बन गई, तो आप क्या करोगे? 1,000 रुपये का रेवेन्यू, 800 रुपये की कॉस्ट, इफेक्टिवली क्या होगा? 200 रुपये का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट मानोगे और आपकी 400 किलोमीटर रोड बनी है तो आप क्या बोलोगे? 50% काम हो गया, तो आप रेवेन्यू 50% रिकॉर्ड करोगे और टोटल रेवेन्यू कितना है? 2100, 1,000 प्लस 1,100, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे उसका आधा 1050, क्योंकि आधी रोड बन गई है 800 किलोमीटर में से 400 किलोमीटर, और कॉस्ट तो आपकी यही 800 रुपये ही लगी है शुरू के 400 किलोमीटर बनाने में, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 250, जबकि आप अलग अलग करते तो इसमें प्रॉफिट कितना था? 200। इफेक्टिवली दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आपका प्रॉफिट 100 रुपये ज़्यादा है। अगर अलग अलग होएगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर वो 100 रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा बुक होएगा, क्योंकि पहले में 200 प्रॉफिट है, दूसरे में 300 है। अलग अलग होगा तो प्रॉफिट भी पहले 200 फिर 300 बुक होएगा, पर पूरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मानोगे तो टोटल प्रॉफिट 500 हो जाएगा, तो आधा कंप्लीट होने पे आधा 250 बुक हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंबाइंड और दे शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट। इफ गवर्नमेंट हैड गिवन मी वन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन इट हैज गिवन मी अनदर कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर वन कॉन्ट्रैक्ट और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली बात है ये किस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों की प्राइस के आपस में इंटरडिपेंडेंट है और इन दोनों का परफॉर्मेंस के आपस में इंटरडिपेंडेंट है, क्या इनका निगोसिएशन एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। तो ये तीन कंडीशंस दी गई हैं। अगर सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है या सिंगल नेगोशिएशन, यानी दोनों की प्राइस एक साथ ही डिसाइड की गई थी 2100, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मान लो। दूसरा, और एक का कंसिडरेशन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 1100 का हमें क्यों मिला? क्योंकि पहला वाला हमें 1000 का मिला था, उसमें मार्जिन कम था, सरकार ने ज़्यादा दे दिया, तो एक मान लो। या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और पहला कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग टेंडर में आए थे और दोनों हमने सेपरेटली अप्लाई करे थे और दोनों में लकीली हमें ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो दोनों को अलग अलग मान लो। आखिरी, क्या गुड्स और सर्विस अपने आप में सिंगल प्रॉमिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या अलग अलग है? मेरे एग्जाम्पल में अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो उस सेंस में आप बोल सकते हो कि मैं इसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान सकता हूँ। इनफैक्ट आप ये कह लीजिए दोस्तों कि तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा, यानी कि आपको लगता है निगोसिएशन एक हुआ है, भले ही ये दोनों अलग अलग प्रॉमिस है, एक रोड बनाना और दूसरी रोड बनाना, क्योंकि अलग अलग रूट है,
मुंबई पुणे पुणे जय सॉरी मुंबई पुणे एंड मुंबई जयपुर, तो प्रॉमिस भले ही अलग अलग है पर प्राइस एक है, तो कॉन्ट्रैक्ट है को प्राइस अलग अलग डिसाइड करी है, प्रॉमिस अलग अलग है लेकिन एक दूसरे पे ऊपर इंटरडिपेंडेंट है प्राइस, देन इन दैट केस भी क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बुक होगा। तो एनी ऑफ दीज कंडीशन इफ दे फुलफिल देन यू विल ट्रीट इट एज वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज यू विल स्प्लिट इट। तो नॉर्मली इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर निगोसिएशन अलग अलग हुआ है, परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट दिखता भी है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोनों की प्राइस अलग अलग निकाली गई है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो आप अलग अलग मानेंगे नहीं तो एक मानेंगे। ये समझ के आपको पहले समझ में आएगा कि मुझे रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान के बुक करना है या एक मान के। इसलिए स्टेप वन बोलता है भैया पहले कॉन्ट्रैक्ट समझो और फिर हर कॉन्ट्रैक्ट में अपन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस और रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करेंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है मॉडिफिकेशन का। व्हाट इज मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन मीन्स कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में कुछ चेंज कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में चेंज हो गया इसका मतलब क्या, गए हम आर्टिकलशिप के लिए थे और एक महीने बाद हमको सर ने जॉब पर ही रख लिया क्योंकि उनको समझ में आ गया हमसे सीए होगा नहीं। उन्होंने हमको गाइड किया कि तू रहने दे तेरे से नहीं होगा, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि समझता हर कोई था, मुंह पे बोल कोई नहीं पा रहा था। हमने बोला यार सर फिदा हो गए आप पर, पैरी पोना क्या बात बोली आपने, मजा आ गया, अब तो हम आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे। सर ने बोला चल ठीक है आज से तेरी आर्टिकलशिप कन्वर्टेड इंटू जॉब। तो 3 साल की आर्टिकलशिप पहले रजिस्टर हुई थी, उसको 6 महीने बाद हमने कन्वर्ट कर दिया जॉब में। अब आप बताओ ये मॉडिफिकेशन है या पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, क्या मानूं मैं इसको? दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। बिल्डिंग बनानी थी, कलर भी तुम कर दो, मॉडिफिकेशन। रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोला साथ में फुटपाथ भी तुम बना देना, मॉडिफिकेशन। अब इस मॉडिफिकेशन की मैं अकाउंटिंग कैसे करूँ? इनफैक्ट आपने गोवा जाने की बात करी थी एग्जाम खत्म होने के बाद और आपने 5 दिन के लिए रूम बुक किया था और वहाँ 5 दिन रहने के बाद आपको लगा 5 दिन और बिताना चाहिए, तो फिर आपने कहा एक्सटेंड माई डे फॉर विजिट फॉर 5 मोर डेज, तो देन इन दैट केस दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, मॉडिफिकेशन आपको कब मानना है? जब आप पहले ये प्रूव कर दो कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में सेपरेट नहीं है, यानी अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में अलग हो गया, उसको अलग डील करना है। ये करने के बाद अब आपको क्या देखना है, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो फिर मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे होगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मतलब एक बार रिपीट करता हूँ, ये चीज कंफ्यूज ना होना। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले मिला था अलग से मुंबई पुणे रोड, बाद में मिला अलग से मुंबई जयपुर, निगोसिएशन अलग, प्राइस अलग, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है या मॉडिफिकेशन का सवाल ही नहीं उठा। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था मुंबई पुणे रोड बनाने का और अब आपको बोला है कि इस रोड के साथ साथ आपको यहाँ फुटपाथ भी क्रिएट करना है या ड्रेनेज लाइन भी क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस इंटरडिपेंडेंट होने के कारण ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेरा कैसे चेंज होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज मॉडिफाई होके जुड़ रही है तो अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं। और ये डिस्कशन अब क्या कहता है ये समझिए ध्यान से। मुझे बताओ मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग क्या कैसे होना चाहिए? पहले अपन समझते हैं अपने पास क्या अपॉर्चुनिटीज तरीके होंगे अकाउंटिंग करने के। तो लेट मी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, आप लीला होटल में 5 दिन रुकने के लिए गए और 10,000 रुपीज पर नाइट का आपका रेट था, तो 50,000 रुपये की आपकी डील थी। और से फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने बुकिंग करी थी, इस बुकिंग में आपने सिर्फ रूम ली थी और कोई मील्स, ब्रेकफास्ट, साइट सीइंग, ट्रिप्स कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था। आप एक दिन वहाँ पर रुके और फिर आपने कहा कि यार अगर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं रुकने के साथ साथ आपके यहाँ की मील्स भी लूँ, नॉट बाय ऑर्डरिंग बट पैकेज में शामिल कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा? लीला होटल ने कहा वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, उस केस में आपका टोटल पैकेज जो 50,000 का था, अब एक दिन तो बीत चुका है तो बचे हुए दिनों के लिए उन्होंने कुछ भी कैलकुलेशन करके उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है आप 10,000 रुपये और दे दीजिए और आपके बचे हुए दिनों में आपकी मील्स भी इनकॉर्पोरेट शामिल कर दी जाएगी। तो भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या हो गया, ये मॉडिफिकेशन हो गया।
अब इस मॉडिफिकेशन की मैं अकाउंटिंग कैसे करूं, ये अब अपने को समझना है। ये चार्ट आपको वो चीज समझाएगा। इंडेक्स कहता है कि अगर जो मॉडिफिकेशन हुआ है उससे गुड्स और सर्विस डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो फिर आप क्या करो, जो अभी तक हो गया ठीक है, और रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट को रिमेनिंग पीरियड में रेवेन्यू बुक करिए। मतलब क्या हुआ इसका, आपसे 5 नाइट की डील हुई थी 50,000 की, एक दिन बाद अब आपको बोल दिया कि भाई अब 10,000 रुपये और दे दो, खाना भी ले लो, तो मॉडिफिकेशन हुआ। क्या ये मॉडिफिकेशन जो हुआ है इसमें सेम सर्विसेज आपने लिए या डिस्टिंक्ट सर्विसेज लिए? तो प्रैक्टिकली डिस्टिंक्ट है, खाने को मैंने इनकॉर्पोरेट कराया। तो इंडेक्स कहता है आपने पहले दिन होटल लीला ने 10,000 रुपये का रेवेन्यू बुक किया होगा, 50,000 फॉर 5 नाइट्स बुक कर दिया, खत्म। बचा हुआ रेवेन्यू बचे हुए पीरियड में बुक कर दो। कितना रेवेन्यू बचा है? 40 प्लस इंक्रीज कितना हुआ रेवेन्यू? 10, तो 50, कितने दिन में? 4 नाइट, तो 12,500 बुक हो जाएगा। सिंपल है इतना। आ गया समझ में? आ गया। लेकिन सपोज लीला होटल में मैं गया और मैं 5 दिन के लिए स्टे करने की बात कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया 50,000 रुपये लमसम प्राइस पे। एक दिन स्टे करने के बाद मैंने कहा कि यार बहुत बढ़िया होटल है आपकी, एंड आई विल लाइक टू स्टे फॉर अनदर 5 नाइट्स। उन्होंने बोला 50,000 रुपये, और मैंने बोला यार मज़ा नहीं आएगा, एक्सटेंडेड स्टे ना, एक काम करो मान जाओ, थोड़ी सी हमारी बात मान जाओ, लेट्स डू इट एट 30,000। उन्होंने बोला अरे बहुत कम हो जाएगा। मैंने बोला यार चलता है करो, डन हो गई डील। अब आप समझिए, एक नाइट का रेवेन्यू कितना बुक कर चुकी है लीला होटल? 10,000। बचा कितना? 40। और 5 नाइट और जो आपकी बाकी है उसका रेवेन्यू कितना है? 30। अब लीला होटल रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करे? एक लॉजिक जो अभी मैंने बताया वो वाला, क्या 10 बुक हो गया छोड़ दो, बचा हुआ 40, इंक्रीज है 30, टोटल हो जाएगा 70। 70 डिवाइड बाय रिमेनिंग 9 नाइट्स, इतना रेवेन्यू हर महीने हर दिन आप बुक कर लो। दूसरा लॉजिक नहीं, 50 पहले था, 30 और हो गया, टोटल 80, 10 नाइट का यानी एक नाइट का 8, पहली नाइट का मैं कितना बुक कर चुका हूँ? 10, दो रिवर्स करूंगा ताकि 8 ही बुक हो, और दो रिवर्स करने के बाद अब मैं क्या बोलूंगा कि टोटल रेवेन्यू 80 में से 10 बुक हुआ था, दो रिवर्स हुआ, यानी 72 बाकी है, जो रिमेनिंग 9 नाइट्स में 8,000 पर नाइट के हिसाब से इक्वली एलोकेट करूंगा। वॉट इज मोर लॉजिकल? कुछ भी नहीं है, सिंपल भाषा में आप यू बोल लो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। जो हो गया सो हो गया, बचा हुआ रेवेन्यू बचे हुए पीरियड में बुक कर दो, या जो हुआ सो हुआ ऐसा नहीं चलेगा, रिवाइज करो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का आपका रेवेन्यू कितना है, और अकॉर्डिंगली जो बुक हो चुका है अगर वो कम ज्यादा है तो उसको चेंज करो रेट्रोस्पेक्टिव। आप बताओ क्या होना चाहिए? सर जो हो गया सो हो गया, रहने दो। नहीं दोस्त, ऐसा होगा ना तो फिर मैनिपुलेशन होगा। जान करके लोग क्या करेंगे, पहले शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे और फिर एक्सटेंशन सस्ता में देंगे ताकि पहले ज़्यादा रेवेन्यू बुक हो जाए और बाद में कम। सर कोई ऐसा क्यों करता चाहेगा? हर कंपनी चाहती है रेवेन्यू प्रीपोन हो ताकि नेट प्रॉफिट बढ़े, शेयर होल्डर वेल्थ बने। बनियों का सोच मत रखना कि भैया प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा शुरुआती दिनों में। कोई ये नहीं सोचती है बड़ी कंपनी की यार टैक्स ज़्यादा देना पड़ गया, वो बोलती है प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना है अपने को, दिखाना है अपने को, और टैक्स भी कम पे करना है। ये आइडियल सिचुएशन है। प्रॉफिट ही नहीं दिखाओगे तो ग्रोथ कहाँ से आएगी, प्राइस कैसे बढ़ेगी शेयर्स की? तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रीपोन करना चाहोगे रेवेन्यू, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जान करके करोगे। तो इंडेक्स बोलता है कि अगर सेम गुड्स और सर्विसेज आपने लेने के कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन किए हैं तो फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आपको रेट्रोस्पेक्टिवली ही रिवाइज करके रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है। यानी आप सोचो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 80,000 फॉर 10 नाइट, तो 8,000 पर नाइट रेवेन्यू बुक होगा, 10 बुक कर दिया है, दो रिवर्स कर दो। यही समझाया? देखो अगर गुड्स और सर्विस डिस्टिंक्ट हैं तो आप क्या करिए, तो सबसे पहली बात ये तो छोड़ दीजिए, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो दिमाग से हटा दो। अगर मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है और गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी मील्स आपने लिए स्टे के साथ, अब तो आप मानो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म और नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, और नए कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कितना मानना जितना पुराने में अनरिकग्नाइज था। मेरे एग्जाम्पल में 50,000 में से 10,000 रिकग्नाइज हो गया था, तो 40 प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू ऑन मॉडिफिकेशन, मैंने मील्स के 10,000 जोड़े थे, 50,000 फॉर 4 नाइट्स आपका रेवेन्यू बुक होगा। कब? मील्स में। लेकिन अगर डिस्टिंक गुड्स और सर्विस नहीं है, यानी मैंने की क्या किया 5 नाइट्स के कॉन्ट्रैक्ट को 5 नाइट्स से बढ़ा दिया, तो सेम गुड्स और सर्विसेज है, बस टाइम ड्यूरेशन बढ़ाए।
रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, आप मेजर करिए कि आपकी प्रोग्रेस पी ओ की अभी तक कितनी हो चुकी है, मल्टीप्लाई करो ट्रांजैक्शन प्राइस से, और जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है और जितना अबव रिकॉग्नाइज होना चाहिए मल्टीप्लाई होगा, ये डिफरेंस आपका कहाँ चले जाएगा, रिवर्स या बुक होगा पी आर एल से। दिस इज समथिंग विच इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विच बेसिकली टॉक्स अबाउट वॉट, इट टॉक्स अबाउट हाउ शुड वी अकाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस। इनफैक्ट स्टेप वन टॉक्स अबाउट ए वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, when do we say contract actually satisfies to be a contract, five steps to be proven, then kab contract ko aap alag alag manoge aur ek manoge, and then contract ki terms change hogi, aur agar aap use separate contract nahi mante ho usi contract mein modification mante ho to uski accounting aap revenue ki kaise karoge agar distinct goods or services hain aur same goods or services hain। ये आखिरी वाला मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड न्यू दोनों के लिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि पहले स्टॉक ऑडिट का असाइनमेंट था और फिर उसमें मैंने पीपी यानी फिक्स एसेट्स का वेरिफिकेशन भी इनकॉर्पोरेट किया तो कैसे अकाउंटिंग होगी। यू कैन गो थ्रू दिस ऑन योर ओन जस्ट टू गेट एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। नाउ वी विल कम टू स्टेप टू, एंड द स्टेप टू बेसिकली ऑफ द फाइव स्टेप मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, which is basically relating to identifying the promises, performance obligation in the contract, assessing when these performance obligation will be satisfied, ताकि इनके satisfaction में मैं इनका allocated revenue आगे book कर सकूं। ठीक है, तो we will take a small break and then we'll come to the next step जहां पे अपन इस step को cover करेंगे।